मुझको दे तुम। गाइए, बिल्कुल गाइए, ब्लॉग बन रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम अपने लॉज पर अभी हम नहा धोवा के रेडी, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी जाने से पहले स्टडी रूटीन बना लेते हैं कि भाई किस किस तरह पढ़ना है, और सारा सब्जेक्ट का एक लिस्ट बना लेते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। तो आज का मेरा ये स्टडी रूटीन है, जो कि हम लाइब्रेरी में जाके सभी को वन बाय वन करके हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज मेरा 12 आवर स्टडी चैलेंज है, तो भाई पूरा करना तो जरूरी है। तो अभी हम लाइब्रेरी जाने के लिए निकल रहे हैं, और ये भैया लोग देखिए बरस कर रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है तो भाई बरस कर रहे हैं, उसके बाद अपना कोचिंग जाएंगे। ये देखिए बैठे हुए हैं, अपना बरस कर रहे हैं। तो चलिए लाइब्रेरी जाके दिखाते हैं। तो ये है मेरा लाइब्रेरी का एंट्री गेट, जो कि हम अंदर जा रहे हैं, उसके बाद हम लाइब्रेरी में एंटर करेंगे। तो अभी जा रहे हैं छत पे जा रहे हैं सीढ़ी के माध्यम से। पहले ऊपर जाएंगे, उसके बाद डायरी में डेट लिखेंगे। तो बस इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। तो अभी जाएंगे इधर से ऊपर छत पे, ऊपर ही। तो लाइब्रेरी में जाने से पहले डायरी में डेट लिखना होता है, उसके बाद लाइब्रेरी में हम इंटर कर सकते हैं। उसके बाद गाइए, बिल्कुल गाइए, ब्लॉग बन रहा है। तो देखिए ये है लाइब्रेरी, जो कि अभी कुछ ही बैचलर लोग आए हैं अपना स्टडी कर रहे, बाकी अभी सीट पूरा खाली है। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नजारा है। तो ये भैया से मिले, जो कि लाइब्रेरी में पूरा साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई साफ सफाई रहना भी जरूरी है। कि तो भैया अपना साफ सफाई कर रहे हैं, इस लाइब्रेरी को एकदम चमका रहे हैं। तो अभी हम रिवाइज करने वाले सबसे पहले इंग्लिश, जो कि मेरा पहला टास्क है 8 से 9। तो अभी हम सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि भाई ग्रामर कितना बेस होता है इंग्लिश का, तो उसको पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद इंग्लिश रिवाइज कर लिए, अब बारी है केमिस्ट्री का। चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि एस के झा सर का बुक है, सामान्य विज्ञान। ये बेस के लिए बहुत बढ़िया है GS के लिए, तो यही पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर 1 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट इंग्लिश रिवाइज कर लिए, सेकेंड में GS केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ लिया। अब थर्ड में है 6 to 12 NCERT पढ़ना है, जो कि संसार संग्रह है, NCERT पब्लिकेशन का है। 6 to 12 का पूरा निचोड़ है, GK के लिए है, जो कि बहुत बढ़िया है। संसार संग्रह 1-liner है, तो अभी यही पढ़ेंगे। बस इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, जो कि चैप्टर 2 है, वर्ड फॉर्मेशन। तो अब वही पढ़ेंगे। तो अब रीजनिंग में पढ़ लिया, अब बारी है करेंट अफेयर का, जो कि 2024 का है, वही पढ़ेंगे। 12 से लेकर 1 तक अभी पढ़ेंगे। तो बस इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। ये है करेंट अफेयर, स्पीडी पब्लिकेशन का है। तो अभी हम लंच करने आए हैं, देखिए कुछ इस तरह।
तो अभी हम लंच कर लिए और जा रहे हैं अपनी लाइब्रेरी में, फिर से स्टडी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि भाई पढ़ना बहुत है, टास्क पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो सारा सब्जेक्ट कर लेंगे लेकिन एक सब्जेक्ट पेंडिंग में रह गया है जो कि मैथ है, वो नहीं पढ़ पाए और जीके के लिए तो पढ़ लिए। तो अभी लाइब्रेरी से निकल रहा है, इवनिंग का भी 7 बज रहा है। तो आज का चैलेंज पूरा हुआ, तो अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी से रूम पे। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।